नसरुल्ला गंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक शाला बोरखेड़ा कला में बाहरी व्यक्ति द्वारा शाला परिसर में 3 छात्रों को पीटने का मामला सामने आया है, जिसमें पालकों का कहना है कि बच्चे स्कूल गए थे, वहीं पर गांव के एक व्यक्ति ने स्कूल पहुंचकर लकड़ी से बच्चों को ताबड़तोड़ पीटना शुरू कर दिया, जिससे नाबालिग छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। शिक्षकों के हस्तक्षेप के बाद व्यक्ति को स्कूल परिसर से बाहर निकाला गया। वहीं स्कूल प्राचार्य हेमलता परिहार ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए उक्त मामले को शाला परिसर से बाहर का बताया, जबकि छात्र व पालक की माने तो मामला शाला परिसर का है। वहीं शाला प्रभारी की कार्यप्रणाली से नाराज पालकों ने थाने पहुंचकर छात्रों का मेडिकल कराकर FIR दर्ज कराई है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों की उपस्थिति में अबोध छात्रों के साथ इस तरह की मारपीट की जाएगी तो छात्रों के मानसिक विकास पर क्या असर पड़ेगा? जहां हम बच्चों को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं शिक्षक झूठ बोलकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो फिर भला वह बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? वहीं विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस मामले पर उचित कार्यवाही करने की बात कही गई है। क्या करते हो? स्कूल पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल में। नाम बताओ स्कूल का। शासकीय माध्यमिक शाला बोरखेड़ा का। फिर क्या हुआ आज? आज हुआ ये कि हमको टीचर ले जा रही थी स्कूल में, ऑफिस में, तो वो भाई साहब आए और उन्होंने हमको गाल में मार दिया। नाक दुख रही अभी भी और आँख में कुछ दिख नहीं रहा। क्यों मार दिया? क्या पता उनको ही मैटर होगा तो मार दिया। कौन ने मार दिया, नाम मालूम उनका? नाम नहीं मालूम, बस आए और आपको मार दिया। हाँ, वो तो ऑफिस में ले जा रहे थे। कितने लोगों को मारा उन्होंने? उन्होंने मारा 3 लोगों को। अच्छा, जिनने मारपीट की कहाँ के थे निवासी? वो ये थे बोरखेड़ा के थे, बोरखेड़ा ढाबा के पास। एक लड़का वो। फिर आपने मैडम से शिकायत करी प्राचार्य से? हाँ। क्या बोला? उनके सामने ही मारा उन्होंने। प्राचार्य के सामने ही मारा? मैडम ने कुछ नहीं कहा? मैडम ने बचाया उन्होंने, उन्होंने भी बचाया। देखिए ऐसा है, यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने शाला परिसर में आके बच्चे के साथ में शारीरिक प्रताड़ना उसको दी है तो गैरकानूनी है, नियम के विरुद्ध है और उस व्यक्ति के विरुद्ध थाने में सूचना देना चाहिए और जो भी संस्था प्रधान है उनको इसमें आगे रह के और जो भी पुलिस विभाग है उसको सूचित करना चाहिए। उस प्रकार की जो गतिविधि है वो शाला परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाना पूर्णतः वर्जित है, नहीं होना चाहिए। आपने मुझे मेरे संज्ञान में लाए हैं तो मैं इस मामले में देखूंगा और जो भी उसमें कार्रवाई है वो उसके लिए करवाऊंगा। बच्चा स्कूल गया था, वो धर्म पवार आया और उसने मेरे बच्चों को मारा। कहाँ मारा? स्कूल में। तो इसकी शिकायत फिर आपने मैडम से की कि बच्चों को मारा बाहर वाले व्यक्ति? मैडम को भी बुलाया था, मैडम को भी फोन लगाया तो मैडम ने बोला कि 100 नंबर बुलाई, वो कुछ कर ही नहीं रहे वो, फिर अब बाद में गई 100 नंबर। क्या कारण रहा बच्चों को मारने का? बच्चों को क्या मालूम, अब बच्चे की गलती थी ज नहीं, बाकी को और 4-5 के नाम लिए उसने, मगर इसकी गलती नहीं थी, अभी भी मारी। तो बाहरी व्यक्ति ने स्कूल में जाके मारा। टाइम मेड मध्य प्रदेश के लिए सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।